Assalamu alaikum to all my dear students and respected parents. How are you all? I hope everyone is fine staying home. Students, today in this video, I'm going to explain you class 3, unit 6, the story of the road. Students, aaj main ye video mein aapko class 3, unit 6, the story of the road. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी ऐसी है, एक रोड है. एक्चुअली स्टूडेंट्स, रोड इज इन बदल सकते, पर एक इमेजिन स्टोरी है कि रोड कौन होता है, कि मुझे हर कोई आने आ रहा है. राइट नाउ, सो आई होप यू वॉन्ट्स टू लिसन दिस स्टोरी. सो नाउ वी कंटिन्यू आवर स्टोरी यूनिट 6, द स्टोरी ऑफ द रोड. Now students, open your textbook and put your finger with me as well as you read it. Okay students, now start students, put your finger, the story of the road. Kya hai beta? Ek story hai road ki. It is early morning. Kya hai? Subah hai, early morning. It's, hum log jaise bolte hai, fajar ka time, right? The road is asleep. Road bhi kaisa hai? Asleep hai. Everything is quiet. Means, और कोई सोया हुआ है, एटमोस्फियर कैसा है, एकदम क्वाइट. But listen, अब क्या कहते हैं, सुनो मेरी बात. The birds are calling softly. धीरे धीरे से बढ़ती आवाज सुनाई देती है. Birds बोल रहे हैं धीरे धीरे. Chirp chirp, chirp chirp, says the sparrow. इसका आवाज है स्पैरो का. स्पैरो कैसे बोलती है? सुबह जब बच्चों का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है, पैरों का धीरे धीरे आवाज, सॉफ्टी सॉफ्टी आवाज मुझे सुनाई देता है. चप 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 चप. काउ काउ काउ, क्रो. और वही टाइम पे क्रो भी कभी कभी हमें खुद का आवाज भी सुनाई देता है, और वो काउ काउ करता है. काउ काउ काउ, वेक अप वेक अप. अब ये क्या है? क्रो काउ 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 करता है. मींस ये वो क्या रखता है? Here is someone else now. अब रोड क्या कहता है? अब ये और कोई आया है. Tringling, tringling. क्या है? यहाँ पे कौन सा आवाज सुनाई दे रहा है? Tringling, tringling. Is it the newspaper boy? क्या है ये? It is a newspaper boy. कौन है ये? Newspaper boy. सुबह में हमारे घर के पास भी 7 o'clock को, 8 o'clock को कभी कभी न्यूज पेपर वाले आकर आते हैं, या फिर कोई बॉय आता है ऐसा साइकिल के लिए, और हमेशा वो ट्रिंगलिंग अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग करते हुए आते हैं, ताकि हम लोग अपना न्यूज पेपर ले. स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड? फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है? अर्ली मॉर्निंग है, उनका एटमोस्फियर क्वाइट है, क्योंकि सब सब लोग सोए हुए हैं, एज वेल एज रोड भी सोया हुआ. सेकेंड पैराग्राफ में क्या है? स्टूडेंट्स में स्पैरो जो है वो अर्ली मॉर्निंग है, तो उनका सॉफ्टली सॉफ्टली चौक 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 आवाज सुनाई देता है, और क्रो का काउ का आवाज सुनाई देता है. इससे लोगों को क्या लगता है? कि ये लोग मुझे उठाने आए हैं, इसलिए बर्ड्स जो मुझे उठाने आए हैं. अब वापस से लोगों को एक आवाज सुनाई देता है, वो है ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, और वो देखते ही वो कौन होता है? न्यूज पेपर. This good students, now let's continue with your next page 58. Have you opened students page number 58? Now put your finger also. Twinkling, twinkling, says his bicycle. Whose bicycle is saying twinkling, twinkling? The newspaper boy tries bicycle, says twinkling, twinkling. Whose car is riding a hen? Twinkling, waiter. Or waiter ko kya lagta hai? ये जो न्यूज पेपर वाला है, उसकी साइकिल की जो घंटी है, वो भी शायद मुझे उठाने आएगी है. चप 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 चप, सेज द स्पैरो. चप चप, काउ काउ, सेज द क्रो. वेकर, वो बार बार एक ही आवाज सुनाई देता है. ट्रिंगलिंग करके जो बॉय है वो उसको उठाना है, उनको चप चप करके स्पैरो उठाना है, और काउ काउ करके उनको उठाना है. Who is this coming now? रोज क्या कहता है?
a polar bear. It is the means. Sorry, it is a vegetable man. ये कौन आया है? Vegetable man. थोड़ा हमारे घर के पास भी बहुत सारे सुनों में vegetables man आते हैं. और वो आपको समझी कैसे के लिए वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं. और वो कैसे चिल्लाते हैं? Peas, cauliflower, cabbage. तो वो एंग्री हो जाता है.
foolish bird, आपको पता नहीं चलता हमने ऑलरेडी यहाँ पे उड़ गया. I'm by the way, और मैं बहुत अच्छे से उड़ गया. अब मुझे उठाने की try मत करना क्योंकि मैं ऑलरेडी उड़ गया. समझ में आया students? ये paragraph में क्या है, बच्चों की आवाज आती है, स्कूल जा रहे थे और वो लोग जो talk कर रहे थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो चैटर चैटर आवाज आ रही है. प्रेमी मां और जो स्टूडेंट्स चलते जा रहे थे मेरे स्कूल से, वो आवाज आ रही थी. फिर से वेजिटेबल मैन चिल्लाता है. अब ये पैराग्राफ में मिसेस स्पैरो बोलती है, क्रो बोलता है, क्या बोलते हैं हम स्कूल को उसका आवाज सुनते हैं. ये पैराग्राफ में क्या है लास्ट में, कि रोज एकदम से चिल्लाता है कि क्या मैं उठ गया, और क्या कहता है कि आपको उसको दिखाई नहीं देता, मैं ऑलरेडी उठ चुका हूँ और मैं बहुत अच्छे से उठ चुका हूँ, अब कोई भी आवाज नहीं करेगा. आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय पॉली सैंडी. नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर एक्सरसाइज. यू कैन एंड कैन डेवलप अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको क्या करना है, वन वर्ड और कैन और कैन का यूज करना है. एक वर्ड में आपको कैन यूज करना है, दूसरी में आपको कैन यूज करना है. नंबर वन, आई गेस हियर द साउंड ऑफ कार्स. सो हियर यू हैव टू राइट कैन. और कैन कब यूज होता है स्टूडेंट्स आपको पता है, ये आपकी कैपेबिलिटी बता रहा है. और कैन मीन्स आप कर ही सकते हो, राइट. और मे कब यूज होता है, व्हेन यू आर टेकिंग परमिशन, राइट. सो हियर यू हैव टू राइट सी ए एन कैन. नेक्स्ट इज आई गेस हियर द ट्रेन व्हिसल. तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव यूज करना है. सो पहले कैन लिखा, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सी ए एन कैन एंड बी नो आई कैन नॉट हियर द ट्रेन व्हिसल. नेक्स्ट आई गेस हियर द विंड ब्लो. I can hear the wind blow. Next is I guess hear the clock. So hear the clock cannot. Can and not. Cannot sat mein likha jayega. So I cannot hear the clock. Next is I guess hear the sound of feet. So here you have to write C A N K. So I can hear the sound of feet. Next is I guess hear the sound of moving of chairs. So here you have to write N. The answer is I cannot hear the sound of moving of chairs. Next is I guess hear the dog barking. So I have to answer karega. I can hear the dog's barking. Okay students, I hope you understood how you compare with how to use can and cannot. यहाँ पे can and cannot alternatively use करना है, इसीलिए आपको एक बार can और एक बार can. और मैंने आपको बताया जैसे can क्यों use करना है, ताकि ये आप क्या बता रहे थे, capability means आप कर ही सकते हो और may को भी use होगा students जब आप permission के लिए हो. Let's proceed to your answer the following. Now see here. Answer the following. Number one. What sound do you hear on the road in the morning? आपको सुबह में जब morning होती है तो कौन कौन सा आवाज सुनाई देता है? So answer is in the morning I hear the sound of
कंटिन्यूअसली मीन्स वो बार बार अपनी आवाज दे रहा था, तो इसे क्या कहते हैं? आई कंटिन्यूअसली टू वेक अप द रोड बट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक. मीन्स यहाँ पे आंसर क्या है? क्यों चिल्ला रहा था वो? जो क्रोध है वो बार बार अपनी आवाज देता जा रहा था और वो ऑलरेडी उठ चुका था, इसीलिए वो क्या करता है? रोड क्या करता है यहाँ पे? बट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक. जो रोड लास्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो रोड है वो चिल्लाता है कि अब मैं उठ गया हूँ, आपकी आवाज बंद कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे रहेगा द क्रोध इज कॉलिंग कंटिन्यूअसली टू ब्रेक द रोड बट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक. Now, look at the picture and write four sentences about that. You see, आपने ये जो picture है उसके अंदर जो भी दिखाई देता है उसके ऊपर से आपको four sentences बनाने हैं. मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैंने लिखा. Number one, I can see a tree. मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Tree. तो ये आपका sentence number one है. Number two, I can see water and the river. क्या दिखाई दिया? वॉटर एंड रिवर बैन. क्या यहाँ पे रिवर है? रिवर बैन बराबर नदी का किनारा जो बोलते हैं यहाँ से रिवर बैन हो पानी दिखाई देना है और रिवर. नंबर थ्री, आई कैन सी मैनी व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड. बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो रोड के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं. नंबर फोर, आई कैन सी अ ज़ेब्रा. Comment box. Does that allow?